यूपी में गोंडा के एक गांव में युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़िता और उसके पिता का आरोप है कि एक बीजेपी नेता के बेटे ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया है। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती के पिता का आरोप है कि उनकी पुत्री घर पर सो रही थी और रात को बीजेपी नेता बलदेव राज पासवान के पुत्र मनीष अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ गाड़ी लेकर पहुंचा। पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस कर जबरन गांव से काफ़ी दूर चीनी मिल के पास सुनसान जगह पर उसे उठा ले गए और जहां पर मनीष व 3 अन्य सहयोगियों दीपक पाठक, शानू व कृष्णा ने उसके साथ दुराचार किया। मौका पाकर युवती ने अपने मोबाइल फ़ोन से भाई के पास फ़ोन किया तो इन लोगों द्वारा फ़ोन छीन कर स्विच ऑफ कर दिया गया। आपको बता दें कि पिता ने बताया कि बीजेपी नेता एक ग्राम पंचायत से प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है और एक दिन पूर्व गांव में प्रचार करने आया था। इस संबंध में सीओ कर्नलगंज मुन्ना उपाध्याय ने बताया कि कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए महिला अस्पताल भेजा गया है और पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब बीजेपी जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगर जांच में बीजेपी कार्यकर्ता दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वह की जाएगी।